अनलॉक के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे गरीब हैं जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में इन वास्तविक गैर जरूरतमंदों को ढूंढकर उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का काम जमशेद सिंह कपूर करते हैं। जमशेद सिंह की ये चलती फिरती लंगर सेवा बीते कई दिनों से जारी है। वे रोजाना 300 जरूरतमंदों तक पहुंचकर उन्हें भोजन देने का काम कर रहे हैं। 1512 ईस्वी में गुरु नानक देव नागपुर से होकर गुजरे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ लंगर का प्रसार किया। जमशेद सिंह कपूर ने बताया कि वे वर्तमान में ये सेवा घूमते हुए दे रहे हैं। भविष्य में 1 रुपए में पेट पर भोजन देने का उपक्रम चलाने की तैयारी है। इसके लिए जिलाधिकारी से जगह देने का निवेदन भी किया गया है। इस 1 रुपए में केवल गरीब ही नहीं बल्कि दिक्कत में फंसे अमीर भी अपनी भूख शांत कर सकते हैं। मेरा नाम जमशेद सिंह कपूर है और मैं ये लंगर चला रहा हूँ 2013 से। मैं पहले गीता मंदिर में प्रवचन करता था। गीता मंदिर में प्रवचन करते हुए कई लोगों ने मुझे बोला कि हम लोग बहुत सारी पाठ पूजा करने के बाद में भी हमको वो शांति नहीं प्राप्त हो रही है जो हम चाहते हैं। तो मैंने फिर उनको लंगर सेवा के बारे में बताया। गुरु नानक देव जी 1512 में दक्षिण जाते हुए नागपुर में रुके थे और उन्होंने 1512 में यहाँ के गोंड आदिवासियों के बीच में भेदभाव मिटाने के हिसाब से लंगर सेवा की शुरुआत की थी। मैंने उनको उनका उदाहरण दिया तो वो सभी लोग जो मेरे प्रवचन में आते थे उन्होंने लंगर सेवा की शुरुआत की। हमने लंगर सेवा की शुरुआत 2013 में 1 फरवरी से की, क्योंकि 30 जनवरी को हमने बापू कथा की थी पहले और उसके बाद में हमने लंगर सेवा की शुरुआत की। लंगर सेवा पहले 12 मार्केट पर चली और उसके बाद में हम 0 माइल पर आए और 0 माइल के बाद में वहाँ एक बिल्डिंग फ्लोर टूट गई तो अभी मैं रवि नगर में घर से अपनी लंगर सेवा चला रहा हूँ। ये लंगर सेवा कोविड में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि सभी खाने की दुकानें बंद रहने की वजह से लोग खाने के लिए इधर उधर तरसते हैं और रास्ते में अब जिनको काम नहीं मिलता और जो लोग परेशान हैं ऐसे लोगों को खाने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम उनको प्रोटीन युक्त लंगर देते हैं। ये खिचड़ी होती है जिसमें 5 प्रकार की दालें मिलाई जाती है जिसमें तुअर दाल, चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल शामिल होती है। ये लंगर मैं सवेरे कोविड पेशेंट के लिए बनवाता हूँ और जो मेरे जान पहचान में कोविड पेशेंट है मैं उनको लंगर देता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में रोजाना 100 करोड़ लोग भूखे ही सो जाते हैं। इसे देखते हुए ही जमशेद सिंह ने लंगर सेवा का प्रकल्प शुरू किया जिसकी सराहना शहर में हर कोई कर रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ दिशा हटवाल की रिपोर्ट।